ये तो खाती ही नहीं है माँ बुंदी ये जहर तो पहले खा रही है दवाई क्या खा। Hi YouTube family, welcome back to my channel. Hope आप सब एकदम बढ़िया होंगे। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था, सुबह सुबह 6 बजे तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे पटियाला। तो मम्मा मंदिर चले गए थे, पापा सो रहे थे, पापा को हमने डिस्टर्ब किया नहीं था। अभी पापा से मिले नहीं हैं हम, तो अभी उठ गए हैं। बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो 7 बजे तकरीबन सोए थे हम, 7:30 बजे सोए थे। मैं सोची थी व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, लेकिन व्लॉग एडिट करते करते मेरी आंखें ऐसे झप्पा झप्पा ऐसे हो रही थी। फिर जोशी जी कह रहे सो जाते हैं 2-3 घंटे, इन्होंने भी थोड़ी देर फोन चलाया। 7:30 सोए, 7:30 हम उठ गए, 3 घंटे तकरीबन सोए। नींद अभी पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ सोने नहीं आए, फैमिली के साथ बातचीत करने आए, बैठने आए हैं, फैमिली टाइम थोड़ा अच्छा सा स्पेंड करने आए हैं। तो बस अभी उठ रहे हैं और जा रहे हैं दूसरे रूम में मम्मी पापा के पास। चलो जोशी जी, चलो सुनो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा हूँ। का कर ले हो? सोने का मन कर रहा है। हम सो के उठे, मम्मी का सोने का मन कर रहा है। पिताजी की एंट्री, सरप्राइज पार्टी। बोकी के जा ना, बोकी के जा, बोकी के जा, बोकी के जा। ठीक है। पापा का सुबह ही फोन आ गया, बिट्टू रेस्ट है, मैं जस्ट अभी उठाऊं। बिट्टू आ जाओ। हाँ, बात के मुकाबले यहाँ के मौसम में मुझे काफी फर्क लग रहा है। वहाँ तो हम लोग ने एसी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पंखे में ही ठंडक सी लग रही है। वहाँ भीड़ ज्यादा है ना। वो तो पापा पतले लग रहे हैं, पहले से पतले से लग रहे हैं मुझे तो। ये क्या मम्मा बना रखा है मैंने? शेक। हाँ। वाह, सुबह सुबह शेक मिल गया। कौन सा शेक है? किस चीज का? इसमें बादाम है, अंजीर है, काजू। अच्छा, जो मैं आपके लिए बनाती थी, काजू है, अखरोट है। मैं चली गई, लेकिन शेक रह गया। शेक बन रहा है अभी भी, मेरे पीछे भी है। और क्या नाम कहते हैं इसमें, है अखरोट गिरी, काजू गिरी। नमस्कार अम्मा। नमस्कार बेटा, कब पहुँचे? मम्मी हम पहुँचे सुबह 6 बजे। संदन की फसल चल रही है। हाँ, जैसे यहाँ से डोलू फाड़ के बाहर को जा रही है, अंदर को आए, फिर मैंने ऐसी मेज में रख दिया, फिर इनको भाई गर्म पानी उधर रखा मेरे, वो खड़ी थी सहेली मेरी मंदिर जाने के लिए। हाँ, वो आ गई थी, फिर मैं चले गई। मैंने कहा भाई मैं पहले मंदिर जाती हूँ, फिर तुम उधर जरा बैठो। फिर मैं आई, जब तो इनने पानी पुनी पी के सो गए ये दोनों। गर्मा गर्म कॉफी आ चुकी है अभी यहाँ नमकीन के साथ। कथा चल रही है, कॉफी पी जा रही है, नमकीन खाई जा रही है। टन टन नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। ब्लैक वाला ही गाउन पहना है, और मम्मा पापा दूसरे रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। टीवी में फिल्म देख रहे हैं वो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। और जोशी जी फिलहाल गए हैं नहाने के लिए, तो ये 1-1.5 घंटा तो आराम से लगाएंगे नहाने में। इतने में मैं फ़ोन का काम काज निपटा लेती हूँ अभी। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं, दोनों ससुर जमाई यहाँ पे देख रहे हैं फिल्म, और यहाँ पर मम्मी अभी खाना सर्व कर रहे हैं। क्या बनाया मम्मा खाने में? बेटा चने की सब्जी बनाई है, और ये सब्जी और मिक्स वेज है, चावल है ना। हाँ, रोटियाँ और रोटियाँ भी बनी है, रोटियाँ बना के रखी हुई हैं, रोटियाँ बना के रखी हुई हैं डब्बे में, और सलाद है। जैसे ही होता है गरीबों का खाना, और क्या होता है गरीबों का खाना। बाबरे, ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए। दोपहर के 1:30 बजे भी यहाँ पे किया जा रहा है लंच। खाना कैसा बना है जोशी जी? दोनों माँ बेटी नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं चटाई पे। नीचे बैठ के खाना खाने में बहुत ही मजा आता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। ये छोली है ना? हाँ, छोली चने नहीं है, छोली है, ये जो हरे वाले होते हैं ना। मम्मा गैस चूल्हा साफ कर रहे हैं, रसोई की साफ सफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर बर्तन साफ किए जा रहे हैं। मिलजुल के करो तो काम साथ साथ हो जाता है, बात करते करते पता ही नहीं लगता काम पूरा हो गया। आज बहुत दिनों के बाद मम्मी के हाथ का खाना खाया, मज़ा ही आ गया। मम्मी पापा और मैं फिल्म देख रहे थे, अभी फिल्म का हो चुका है एंड, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। खाना खाने के बाद जोशी जी भी थोड़ी देर हमारे साथ बैठे थे, उसके बाद ये आकर यहाँ पर सो चुके हैं। मज़े से ऐसे लग रहा है जैसे ये मायके में आए होते हैं। नींद पूरी कर रहे हैं सच में। एक रात जग जाओ ना, हफ्ता भर नींद की भरपाई नहीं हो पाती, सिर इतना भारी भारी हो रहा है, नींद आ रही है भयंकर वाली। तो अभी मम्मी पापा भी रेस्ट कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर सोने लगी हूँ, शाम को उठूँगी, फिर उसके बाद जो भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाएंगे।
गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम के 5:15 अभी मैं उठ चुकी हूँ। जोशी जी तो फिलहाल सो ही रहे हैं। गुड इवनिंग मामा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? पानी डाल, पौधों में पानी डाला जा रहा है। हमारे इस बार पौधे कितने सुंदर हो रहे हैं अपने, इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल। सत श्री अकाल दादी, क्या हाल चाल? देखो जरा, देखो इस बैग में क्या है, क्या है? वो दिन जो नींबू रखा ही था ना? यस सत्यानाश। ये क्या करना रहा? ये घुनोली वाला नींबू है मम्मी का। आपने उस दिन बोला नहीं था? जी हाँ, मैं भूल गई, मैंने कहा फ्रिज में ही पड़ा है। तेत हो गया, तेत। अब पता नहीं ये घुनोली वाला क्या बैग है। ये पापा एक बैग है फिलहाल तो, इसमें से सामान खाली किया था ना मम्मी के लिए। 2 बैग लाई थी मैं आरती की शादी की शॉपिंग के टाइम पे। अरे है, मम्मा ने बोला, मम्मी ने खुद बोल के मंगाया था मेरे से कि लाना करके। नहीं तो मैं जब मेरे पास बैग होता मैं आप यह करूंगी, एक थैला भर के ऊपर रख दूंगी। हाँ और क्या, सामान बहुत अच्छा आ जाता है, स्पेस अच्छी है। छोड़ के रखा है मैंने खाली में, कोई चीज छोटी मोटी आ जाती मेरे पास। मेरा चक्कर लगेगा ना सदर का, मैं फिर और ले आऊंगी, है ना? ये तो जो घर में बैग पड़ा था वही खाली करा है। इसके अंदर तो मम्मी आप भी पैक हो जाओगे। नहीं मैं इसको भर के ऊपर रखूंगी। मेरे पास था वो, फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। आने का यहाँ को पक्का ही नहीं हो रहा था। अब रात को हम 11:30 बजे तो निकले। रास्ते में मैं देखती भी आ रही थी, ना कोई फल ना कोई वो दुकान, सब बंद थी, कुछ नहीं मिला। नहीं भी जाएंगे, अभी ले आएंगे हम, कुछ नहीं ला। हम फल वगैरह भी कुछ ला नहीं पाए फिर रात को। किसके साथ पहनी जाएगी? किसी के साथ ही पहनी जाएगी। कोई भी सलवार पहन लो, लाल सलवार ही पहन लो, नीचे सफेद सलवार। सफेद तो आप पहनते नहीं हो राजू पापा, ऊपर ही रखे थे कहीं तुमने? अरे ऊपर फेंक दिए थे ऊपर। ये आरती की शादी के समय पे शोला वाम फूल गए थे। हाँ। ये धो के रखा हुआ है या नहीं? ये हर चीज में आ जाता है। ये मुझे में ऑफ ही हो रही थी जब मैंने पाया। ये एनिवर्सरी पे मैंने ही दिया था आपको, अगर याद हो। हम दोनों के पास सेम है वैसे वाला प्रसाद। ये वहाँ का प्रसाद है हर जगह का, जहाँ भी हम गए थे। अभी की है इतनी शक्ति? हाँ फ्रिज में रखी हुई थी ना, आरती लाई थी वहाँ से, मम्मा ने भेजे 2 पीस का। एक समधी खाएंगे, एक समधन खाएगी, थोड़ी सी थी ना हम लोग, बाटी तो है नहीं थोड़ी सी। क्यों लेके आई थी क्या क्या क्लच है लगा लेना आप, मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या खाएंगे हम? ये अच्छा अपने लिए छोटा रखा तूने फिर वहाँ? नहीं छोटा वाला, ये बड़ा वाला तो वहाँ हमारे पास। कचरी बोलते हैं ये, वो वाली है चावल वाली, ये साबूदाना वाली। फूल कितनी बड़ी हो जाती है। ये तो खाती नहीं है ये तो बस। मेरे पापा वैद बने सरकारी। मैं पटियाला हूँ, पापा की वैदगिरी ना दिखे ये हो नहीं सकता। बीज देखे देखे लग रहे हैं, काहे के होते? अलसी वाले हैं क्या? नहीं अलसी के बीज हैं ये, हरिद्वार से है मम्मी सिंदूर। ये वाइट तिल है और ये कदुए के बीज हैं। पापा काले करके 2-4 बीज मुझे खाने के लिए देना, बीज बड़े अच्छे लगते हैं काले। तो काले से काले हुए खाए अभी, जैसे भुन जाते हैं ना अच्छे से, फिर अच्छे लगते हैं खाने में। अरे नहीं, ये कद्दू के बीज भूनने के बाद नहीं हो जाते ब्राउन से, फिर खाने बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा इसको भून के पाउडर बनाओगे, फिर क्या करोगे? एक तो मैं सुबह एक तो मैं शाम खाएंगे। फिर इसका क्या फायदा ठहरा? फिर जोड़ों का घुटनों का दर्द ठीक होता है। अच्छा इतने फूल गए सही नहीं हो रहे? कहाँ फूल गए मम्मी, आप बिल्कुल फिट हो, इतने प्यारे हो आप। नीचे ये मेरा माँ ठहरा ही नहीं है, ये देख इतना बढ़ गया। ये इतना सा तो होता ही है मम्मी, थोड़ा बहुत। हाँ जी खसखस की थोड़ी है, खसखस खसखस ठीक है, देखो खसखस ढूंढो। चलो आरती मम्मी, राजू पापा। मम्मी हमारे होने से पहले आप एक दूसरे को क्या बोलते थे? पहले कुछ नहीं बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। वेरी गुड, पापा की जड़ी बूटी तैयार हो चुकी है। अच्छी लग रही है। वो जो लोड़ी पे नहीं खाते वो भुग्गा वैसा टेस्ट आ रहा है उसमें, तिल डाले हैं ना
तेल भी है, बुगाड़ी सारा को टेस्ट लग रहा है, तीनों चारों चीजें बढ़िया, इतनी टेस्टी दवाई है तो कौन नहीं खाएगा यार, हंस हंस के खाएगा यार, इसको भी नहीं खाती ये झुमका गिरा। जो कुर्ता इस समय मैंने वेयर किया हुआ है, मैं मम्मा के लिए लेकर आई थी, लेकिन मम्मा कह रहे कि इसको फिलहाल तू पहन, क्योंकि ना जो मैंने पहना हुआ है ना ब्लैक वाला गाउन, इसमें ना एक सिलाई बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी गलत लगी हुई थी, सिर्फ एक सिलाई का हेर फेर था, वो भी उन्होंने इस चक्कर में किया, अभी जब मैंने सिलाई उधाड़ी ना तो पता लगा कि वहां से ना कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ था, तो उसको छुपाने के लिए जैसे टेलर ने कार्यक्रम किया होगा, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये वाला गाउन, तो मम्मी कह रहे अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसे ही होता जब तुम्हारी माँ को टेलरिंग आती है ना तो अपने वो गुण ऐसे दिखाती हैं, फिर उसको उधाड़ पुधाड़ के बैठ गई हैं, कह रहे इसको मैं सेट करती हूँ, और उन्होंने कह रही तब तक चाय बना, चलो ठीक है हम चलते हैं रसोई में। जोशी जी उठ गए, अरे आ जाओ इधर ही आ जाओ। गैस पर बन रही है गर्मा गर्म चाय, दूसरे में तेल रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी हम साबूदाना वाले और ये लस्सी वाले पापड़ तलेंगे। मम्मा बोल रहे हैं कि गिशी भी बोल रहा था कि आठ दिन पापड़ बनाए हैं, लाएगी तो थोड़े से मेरे लिए बचा के रखना करके, तो थोड़े से ही वहाँ बनाए थे, आपने देखे थे जस्ट टेस्ट के लिए, तो थोड़े से यहाँ लाई हूँ। मम्मा कह रही इसमें से भी थोड़े बचा लेंगे, जब गिशी आएगा तो फिर तले जाएंगे, मैंने कहा चलो सही है। और चाय में काली मिर्च और अदरक डालने के लिए पापा ने बिल्कुल मना कर दिया है, वो कह रहे हैं कि अब गर्मी का मौसम है, मम्मी का वैसे भी बीपी बढ़ता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सौंफ वाली चाय बन रही है जो कि ठंडी होती है, ठंडी पापा ने रेसिपी बनाने में जो बर्तन गंदे किए हैं, हाथ हाथ उनको धो भी रहे हैं। मेरे महाराज जी तो पहले रसोई में घुसेंगे नहीं, अगर घुस गए कुछ बन गया उसके बाद रसोई की हालत देखने लायक होती है, पूरी तहस नहस। भाई इससे अच्छा तो मैं कर लूंगी, मत ही करो। चाय को उबाल आ रहा है, अभी फीकी चाय बन रही है ये, पापा के लिए शक्कर वाली चाय निकालनी है। गर्मा गर्म चाय, साबुदाना के पापड़, कचरी, कैसे लग रहे हैं जी पापड़? स्वाद है। मिठाई बहुत अच्छी है, अल्मोड़े की मिठाई समधन ने भेजी है आपकी। मुझे समधन ने भेजी है, वाव। देख रहे हो मम्मी पुच्चियां और दी जा रही है, फ्लाइंग किसेस, क्या बात है। पापा को देने से लग गई मिठाई है, ये कैसे लगी तो पूछ लो। कचरी और साबुदाना के पापड़ कैसे हैं भाई, जो मेन चीज है वो तो बताओ। कचरी दियो मेरे को, कैसी है कचरी? अच्छी है, मतलब स्वाद है, बहुत अच्छी। घर में बनाया ढरा यार। शाम के 6:30 बजे अभी हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं तिपड़ी वाली साइड घूमी शूमी के लिए, गेड़ी शेड़ी मारने के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ। मम्मा को बटन लेने हैं, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कौन से बटन मैच होंगे। थोड़ी देर मार्केट घूमने के बाद अभी मम्मी को यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि मम्मा कह रहे हैं कि तबीयत खराब सी लग रही है, फोन पे ही बोल रहे थे मेरे को, मैं कहा चलो लगे हाथ दवाई भी ले लेते हैं, दवाई ले ली है, पर इस बात की खुशी है कि आज नॉर्मल आया बीपी। घर वापस आते आते अभी हमें 8 बजने वाले हो गए हैं, आज जो जलाने के लिए भी लेट हो गए हैं, और जोशी जी ने गाजियाबाद वाला सिस्टम यहाँ भी सेट कर रखा है, देखो पापा जी के साथ लगे हुए हैं बैडमिंटन खेलने। जोशी जी मेरे गुरुजी के साथ खेल रहे हो आज आप, पापा से सिखाया हमने तो रैकेट खेलना। ये वाला जो घर में पहले बोल रही थी ना वहाँ पे खाली था, ये वाला प्लॉट था पहले जहाँ पे हमने साफ सफाई करके यहाँ पे पापा ने बैडमिंटन खेलना सिखाया था हम तीनों भाई बहनों को। बिना चश्मे के खेल रहे हैं पापा, पापा भी तो एक जगह खड़े होके खेल रहे हैं। कैसी बात कर लियो, मैच तो लग रहा है, कम से कम हमारे तो चिड़िया गिरती रहती है नीचे। पापा जी जमाई कैसे खेलते हैं तुम्हारे, ठीक है? ठीक है, ये तो रोज खेलते हैं। जोशी जी हार गए, बाप बेटी खेलते हुए पिताजी और पुत्री, देखते कौन जीतता है। दौड़ा 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 दौड़ा, तो तुम्हें ऐसे ही खिलाएंगे, बचपन में खिलाते थे धीरे धीरे। मेरी रूठ गई माँ काली को मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई माँ काली को मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे मेरी जाऊं कैसे, मनाऊं कैसे
उठ गई माँ काली को मनाऊं कैसे, आस पास कहीं कोई डेरा नहीं है, डेरा नहीं है मैया डेरा नहीं है, दूर कलकत्ता मैं जाऊं कैसे, दूर कलकत्ता मैं जाऊं कैसे, मेरी रूठ गई माँ काली को मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई माँ काली को मनाऊं कैसे। यहाँ पर चल रहा है हमारा व्लॉग, यहाँ पर अभी फलाहार हम लोग करने वाले हैं। मम्मी सबको काम बांट रही है, मुझे फल दे के गई है फल काट, पापा के लिए प्याज लेकर आई है प्याज काटो। ब्लॉग में यहाँ मम्मी कह रही है कि पति देव आए हुए हैं तो मेरा कौन सा हाथ बटता है, देखो बिल्कुल मम्मी का हाथ नहीं बटाया जाता दोस्तों, आप देख ही रहे हो पापा कुछ भी नहीं कर रहे हैं घर में। फलाहार किया जा रहा है, जोशी जी का यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, टीवी में ब्लॉग चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, दीवार पे लाइट जल रही है, टाइम 9 बजने में 20 मिनट है अभी, और यहाँ पे पनीर की भुजिया बनने की तैयारी है, तड़का तैयार किया जा रहा है। ये प्याज मेरे पापा ने काटा है जो आपकी हेल्प नहीं करते, आप झूठे इल्जाम लगाते हो मेरे पापा पे, और जितना हाथ में पापा बटाते उतना कोई बटाता भी नहीं होगा आदमी। अच्छा अच्छा चलाह को ना मम्मी तुम, वो तो प्यार, अच्छा वो प्यार ठहरा, क्या बात। मम्मा गरम फूल के तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर अभी, मम्मा ने बढ़िया फिटिंग कर दी यहाँ पे ना, एक बिल्कुल फ्रंट पे एक गलत सा हो रहा था वो भी सही हो गया, क्या खुला भी हो रहा था, सही लग रहा ना मम्मी। माँ हुंदी है माओ दुनिया वाले हो, माए मिठी ठंडी छावे दुनिया वाले हो। आज लेट हो गई हूँ मैं भी खाना खाने के लिए, मम्मा भी लेट हो गया, नहीं तो हम लोग टाइम पे खाना खा लेते हैं, मैं गाजियाबाद में मम्मी यहाँ पटियाला में, अब एक साथ है तो थोड़ा सिस्टम लेट हो गया है, तो अभी भी हम सिर्फ दोनों माँ बेटी खाना खा रहे हैं, ये दोनों ससुर जमाई मना कर रहे हैं भी खाना खाने के लिए, कह रहे हैं हम आराम से बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि जब खाएंगे तब गरम गरम फुलके के लिए बाद में बना दूंगी। मम्मी कह रहे बस एक बार में बना के रख देते हैं, मेरे कहा नहीं, जोशी जी को आदत है गरम गरम फुलके खाने की। मम्मी ने भी एक पराठा भी बनाया जो सब्जी बनाई थी ना मिक्स वेज वाली, कैसा हो सवेरे बनाएंगे यार, गोभी सब्जी बची है। ये देखो बिल्ली कहाँ चढ़ के बैठी हुई, ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप। ओहो जोशी जी और मैं जा रहे हैं अभी घूमी शुमी करने के लिए, थोड़ी गेड़ी काट के आते हैं पटियाला के, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, चलिए आप भी हमारे साथ। माँ कह रहे हैं कि बाइक ले जाओ, बाइक काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है, ऋषि भैया यहाँ थे तो वो चलाते थे, तो अभी भैया तो हैं LPU, स्कूटी तो मैंने चलाई ली थी आज, कह रहे बाइक को खड़े खड़े जंग लग गई है, इसको चलाओ थोड़ा। बहुत टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में, रात में पटियाला की सड़कों पे मजा आ रहा है, यहाँ तो ठंड लग रही है यार, रात को ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है। जोशी जी अपने लिए बनवा रहे हैं फालूदा, मम्मा पापा के लिए आइसक्रीम पैक करवाई जा रही है अभी, घर जाते जाते अभी तरबूजा भी ले लिया हमने, हम भी निकल गया घर की तरफ, आइसक्रीम खा के पहले वजन बढ़ा कर आई हूँ अब वजन घटाने जा रही हूँ। अशर मोई खाए घर को नहीं रहे, आपके लिए रखी तो है फ्रिज में। अच्छा पापा भी दूध पी रहे हैं हल्दी वाला, तो नहीं खाएंगे मैं खाऊंगी। वाह 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 वाह, पापा के अलग बिजनेस चल रहे हैं, फोन पे इनके अलग बिजनेस चल रहे हैं, टीवी बंद है, सारी बातचीत खत्म है भाई जब से फोन आया ना जिंदगी में। डिनर किया जा रहा है अभी यहाँ पर, मुझे सही बनी पनीर की जोशी जी। रात के 11 बज रहे हैं अभी, जैसे ही वो करके घर वापस आई, घर वापस आते ही जोशी जी का ऑर्डर, पानी देना फ्रिज से निकाल के, फिर मैंने ठंडे पानी की बोतल इनको दी, वैसे मम्मी और ठंडा पानी पी नहीं रहे, इन्होंने अपने जमाई जी के लिए स्पेशल बोतल रखी हुई है, तो बोतल बाहर निकाली कह रहे नहीं मिक्स करके लाओ,
मतलब बाहर से मैं आई थी, मैं मम्मी मैं भी पापा के सामने ही बोल रही, मैं कही अपने घर में भी राजा की तरह हुक्म चलाते हैं, मेरे घर में आके भी राजा की तरह हुक्म चलाते हैं। तो पानी पिला दिया, पानी पिला दिया, अच्छी बात हो गई, पानी मिलाना। उधर कैसे देख रहे गुरु, पानी मिलाना अच्छा होता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि लड़की का ससुराल ससुराल होता है, लेकिन लड़के का ससुराल ससुराल नहीं होता। बाहर ये वो कुछ नहीं है, बाहर ये है कि आदमी अपनी घरवाली को कहीं भी किसी तरह के काम के लिए कह सकता है, उनका हक बनता है। पापा पूरा पख पूरते हैं, पूरा पानी पूरते हैं, जो सकते थे वो। जब वहाँ जाते थे मैंने तो पूरी सेवा कर दी थी मम्मी के घर में। यहाँ आगे जाऊंगी राजभा, मेरा यह काम कर दो, मेरा काम कर दो, रोटी पानी पूछना देना मैं तो देती थी। रोटी पानी तेरी माँ तो घी का बेली भर के रख देती थी, देखो कितना अच्छी थी मेरी मम्मी। रोटी रोटी पानी तो वो खुद ही बढ़िया खिलाती थी, मेरे को तुम्हें क्या खिलाना था। मम्मी कह रहे आइसक्रीम ला, आइसक्रीम आइसक्रीम ला, आइसक्रीम, तीन चार बार बोल दिया लोगों लगातार। लोग परसों के ब्लॉग में आपको फल दिखाया था जो हम लोग खा रहे थे, और मैंने कहा था मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, तो जो सबसे पहले सही कमेंट में उसका नाम बताएंगे मैं उनका नाम ब्लॉग में लूंगी। तो सुनील कुमार जी हैं जिनका सबसे पहले सही रिप्लाई आया था कि उस फल का नाम शहतूत था। मम्मी शहतूत वहाँ पे हम जोशी स्कूल में कितना खाते थे ना, पंजाबी में तूतियां कहते हैं और हिंदी में शहतूत कहते हैं, तो शहतूत ही था उस फल का नाम। दिखा रही थी बढ़िया किस्म का था, हाँ इतने लंबे दिखाए थे ब्लॉग में, देखे थे ना आपने भी, वहाँ से देखा गाजियाबाद में। हाँ तो मैंने बोला था उसका फल का नाम बताना, छोटे छोटे थे, हाँ छोटे छोटे होते हैं वो, मैंने भी मतलब वहीं देखे, इतने बड़े साइज के, वो देसी होते हैं। हाँ मीठे भी खूब एकदम, मतलब इतने मीठे मीठे। इधर तो रहे शर्मा से अभी मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मुझे लोग पूछ नहीं रहे, मुझे लोग सीधा बता रहे हैं कि आपको बधाई हो, आपके भतीजा हो गया, बधाई हो आरती दी, आप बुआ बन गई हो, शुक्रिया, बधाई हो। हम एक रात छुआ रहे हैं, अभी नहीं बताना, तुम और बोल दो फिर और बोलेंगे। तो अभी जब भी खुशखबरी आएगी तो आपसे बुला रखा है मैंने, तुमसे छिपाने वाली बात तो है नहीं आई है। बहुत सारे मेरे मम्मी को कमेंट्स बताया ना, मैं ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं करके, तो मम्मी भी ऐसे बोल रही है कि क्या कहते हैं आरती दी तभी अचानक से आई हैं, कोई खुशखबरी है, खुशखबरी आ चुकी है, आप बता नहीं रहे हो, कोई कह रहा आपके भतीजा हो गया, कोई कह रहा आपके भतीजी हो गई। तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बता दिया था कि पापा का सुबह सुबह फोन आया था, पापा ने बुलाया और बिट्टू ना आए, ये हो नहीं सकता। और पापा के जमाई जी बहुत अच्छे हैं जो ले आए मुझे, मुलाकात होगी, बढ़िया बैठे हैं, ऐसे मजाक चल रहा है परिवार में, ये मौके भी बहुत कम मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं। तो जोशी जी का भी इवेंट की छुट्टी थी एक दो दिन के, इनके पास नहीं था फिलहाल काम, तो हम लोग आ गए, तो बस यही एक छोटा सा रीज़न था। और वो खुशखबरी जो आप चाह रहे हो वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जब भी आएगी आप सबको पता लग जाएगा, ये बातें छुपाने वाली होती नहीं है। अभी होल्ड करो, अभी सबर करो, हम भी सबर कर रहे हैं, आप भी सबर करो। एक गाना है क्या, आने वाली है, क्या है खुशखबरी आने वाली है, नहीं कुछ है एक गाना भी है। याद आपको कुछ होता नहीं, मम्मी ऐसे क्यों करती हूँ, ये किसी भी गाने का हाथ पकड़ लेंगी, पाँव पकड़ लेंगी, कुछ था ऐसा बल था यार, कुछ कुछ तो था ही, दवाई खा ली तूने, खाऊंगी, कितनी फिक्र है, जहर तो पहले खा रही है, दवाई क्या खा, ओ भाई साहब मैं जहर लाई हूँ मम्मी पापा के लिए, जहर लाई थी पापा ने खाया नहीं, सबसे खतरनाक चीज है आइसक्रीम शरीर के लिए। ओ फालूदा पापा, फालूदा बर्फ की बनी हुई कोई भी चीज सबसे खतरनाक है, सही बात है, इसका ठंडा पानी भी जहर के समान है। जोशी जी जहर खा रहे, सुन रहे हो आप, नहीं पानी जोशी जी मिक्स करके जहर खाते हैं, पानी अब तो कोसा भी है, कोसा ना तो राजू पा घड़ा लाना है, नॉर्मल पिए घड़ा, बातें खत्म नहीं होंगी, रात भर मैं फोन ऐसे घुमाती रहूंगी, बातें चलती रहेंगी, जब दूसरी बार आऊंगा तब जाऊंगा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके, छोटी सी नोकझोंक, प्यारी सी नोकझोंक चलती रहती है हमारी, यही मजे है जिंदगी के, और प्यारी प्यार में भी ज्यादा मजा नहीं आता है ना, थोड़ा सी नोकझोंक भी होनी चाहिए। वो भी टेढ़ा लगाया है, इसलिए मैं तेरी मेहरबानी है, सब काम तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, ये भी इतना बड़ा लगा रखा था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, दवाई खाते चले जा रहे, दर्द को दबाते चले जा रहे।